वज़ीर आज़म की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद, फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक बेंच का फैसला कानूनी करार, गिलानी अदालत में पेश होंगे। मेमो कमीशन का इजलास मंसूर एजाज, लंदन में वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराएंगे। कौमी सलामती कमेटी ने पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का सुनामी सवाबी पहुंच गया, जलसे में शिरकत के लिए काफिलों की आमद जारी। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए सैनिक उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी। बल्दिया उज़्मा कराची के 21 अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की हड़ताल, मरीज रुल गए, दर्द से आंसू निकल पड़े। आज भी बंद पड़ा हुआ है, बस बाहर से लिख लिख के दे रहे थे महंगे महंगे के, मैं कहां से कराम बताया। समा की खबर नशर होने के बाद रावलपिंडी के लापता जोड़े का सुराग मिल गया, लाशें घर पहुँचने पर कोहराम। लाहौर में मुनहदिम फैक्ट्री का मलबा हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया, नुकसानात का सर्वे शुरू। सिंध की जेलों में कैदियों को आइंदा हफ्ते से वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत मिल जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात सादगैन को बिछड़े 25 बरस बीत गए, फनपारों में नए पहलुओं की दरियाफ्त आज भी जारी। शारजा के वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग। और माजूरी के बावजूद लाहौर का नौजवान मुश्किल तरीन साज सारंगी का उस्ताद बन गया।